सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। तो हमारी सर्वाइवल सीरीज का नाम होने वाला है ग्रेवलेंस विलेज। तो बिना किसी देरी के अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर देते हैं। तो गाइस, हम एंटर हो चुके हैं अपने वर्ल्ड में। तो माइनक्राफ्ट के रूल के हिसाब से हमें यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर लेनी है। तो वुड कलेक्ट करने के लिए हम इस ट्री को ब्रेक कर देते हैं। तो हमारे पास चार लोग जमा हो चुके हैं। अब हम इनसे प्लैंक्स बना लेते हैं और प्लैंक से हम क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और कुछ स्टिक्स। तो हमारी एक क्राफ्टिंग टेबल और चार स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रख के इससे अपनी एक्स एंड पिकेक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी एक्स और फिर अपनी पिकेक्स। तो हमारी एक्स एंड पिकेक्स रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल को भी उठा लेते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सवाना भाई में शायद। तो यहाँ से कुछ शिप्स भी किल कर देते हैं जिससे हमें वूल मिल जाएगा। हमें सिर्फ 3 वूल की जरूरत है। तो हमारे पास 3 वूल हो चुके हैं। अब हम इनसे बेड बना लेते हैं। तो हमारा बेड रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कोई छोटी सी केव ढूंढ के उसे स्टोन ले लेना है। तो हमारी केव भी यहाँ पे है। ये केव नहीं है पर फिर भी यहाँ से स्टोन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कोल भी है। वाओ, केव है और यहाँ पे आयरन भी है। तो पहले यहाँ से स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। तो काफी स्टोन जमा हो चुके हैं। अब हम इससे अपने स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। तो हमारे पास प्लैंक नहीं है। हम थोड़ी सी ऊपर से वुड ले आते हैं। सो हमारे पास 5 वुड जमा हो चुकी है। अब हम इससे अपने प्लैंक्स निकाल लेते हैं। 20 प्लैंक्स शायद इनफ होंगे। 20 प्लैंक्स। तो इन प्लैंक से स्टिक्स बना लेते हैं और स्टिक से हम बना लेते हैं अपनी पिकेक्स और एक्स। तो हमारी अरे तो हमारी पिकेक्स एंड एक्स रेडी है। तो अभी तो हम जो अपनी वुडन पिकेक्स और एक्स है उससे ही वर्क करते हैं क्योंकि उससे हमारी जो ये स्टोन और स्टोन की एक्स वो नीचे क्रीपर भी है। थोड़े ध्यान से बच के रहना पड़ेगा। यहाँ से कोल ले लेते हैं। एक तो बिल्कुल ही नीचे है। इसको हिट कर सकते हैं यहाँ से। लग जा, नहीं लग रहा। तो यहाँ पे नहीं, नीचे जाने का को कोई चांस ही नहीं है। यहाँ से लोग तोड़ के देखते हैं। हाँ, यहाँ से जा सकते हैं। आ जाओ भाई, यहाँ लग तो रहा है। इसको को एक्स से मारते हैं। तो हमारा पहला क्रीपर मर चुका है। अब हमें वो जो दूसरा क्रीपर है उसको भी यहाँ पे लेके आना है। और ऐसे ही इधर आ, एक हिट, 2 हिट। अबे ये तो लास्ट हो गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ से जितना भी आयरन है इसको लेके वापस चले जाते हैं। वो एक और क्रीपर भाई साहब। ओ भाई, ऊपर चलते हैं। हमारे हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। तो क्या ग्रेवल ले लेते हैं ऐसे और ग्रेवल से ऊपर चलते। नहीं, इससे काम होगा। कौन सा ब्लॉक है? ग्रेनाइट। तो अपनी जो ये क्राफ्टिंग टेबल है इसको यहाँ पे रखते हैं और इससे बना लेते हैं क्या ये फर्नेस। एक फर्नेस बहुत है। इसको फर्नेस को यहाँ पे रख के इसके अंदर फूड स्मेल्ट कर देते हैं। तो जब तक हमारा फूड स्मेल्ट हो रहा है तब तक हम थोड़ा कोल और लेके आते हैं वहां से वापस। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हाँ ऐसे। और यहाँ से कोल माइन करते हैं। तो काफी कोल जमा हो चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं वापस ऊपर। ओ हाँ, ये रहा। तो हमारा फूड स्मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपने आयरन रख देते हैं बस।
अब हमें क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि हम जहाँ पे रह सकते हैं वो जगह कैसी है। यहाँ पे ओशन है, ओशन है ये नहीं, ये तो छोटा सा लेक है। यहाँ पे चिकन्स हैं और काऊ भी देखी थी यार मैंने। हाँ ये रही काऊ, यहाँ पे काऊ है, हॉर्स है और ट्रीज हैं और बस, और एक शीप है। हमारा सामान शायद यहीं पे, हमारा सामान कहाँ गया? ओ ओ ये रहा। तो यहाँ से अपने स्मेल्टेड आयरन उठा लेते हैं और हमें एक और एडवांसमेंट मिल चुकी है। और यहाँ से कहीं और चलते हैं क्योंकि ये जगह मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये डेजर्ट है शायद, यहाँ पे लावा भी है और वाटर भी है। वाओ तो शायद मैंने वो जगह छोड़ के गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो हम वापस वहीं चलते हैं। यहाँ पे मेरे को कहीं से आसपास स्केलेटन की आवाज आ रही है, शायद यहाँ है। ओ भाई साहब, एक रिल। तो एक काम करते हैं, अभी तो रात हो गई, अभी यहीं पे सो जाते हैं और कल सुबह उस रिल में चलेंगे। तो सुबह हो चुकी है, अब हम अपने बेड को लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कोई जाने का रास्ता है। ओ भाई साहब, बच गए। ओ ये रहा। नहीं भाई, नहीं जा सकते, वहीं चलते हैं वापस जहाँ से आए थे। ओ भाई बच गया। यहाँ पे मेरे को थोड़ा आयरन दिख रहा है, तो यहाँ से आयरन कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे इधर और इधर। भाई मेरे को ज़ोंबी की आवाज़ आ रही है, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा।
तो गाइज यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से बोट बनाते हैं और सीधा चलते हैं। और एक्स ये रही। ओ वाह, ये क्या है बे? ओ वाह, ये तो एक मस्त सिटी है कोई। यहाँ से ले चलते हैं, ये ले चलते हैं, रुको ये लेके चलते हैं। यहाँ से कलेक्ट हुए नहीं? कलेक्ट तो नहीं हुए, वही कलेक्ट हो। ये शायद शेयर से टूटते हैं, ये शायद वो है, डेड कोरल फैन। कोरल फैन है ये, कोरल फैन। Meanwhile, ओ भाई साहब, सो गाइस हमें विलेज मिल चुकी है, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास फूड नहीं है, यहाँ से फूड लेते हैं सबसे पहले। ये रहा फूड, हमारा एक ही आटा, तो हमें देख के खेलना पड़ेगा। बैट, यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं पहले। लो, ये तोड़ते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास कुछ 15 हे बेल हो चुके हैं, हम इनसे सबसे वीट बना लेते हैं। वीट से ऐसे, और इसको बीच में, इससे 32 ब्रेड, और 32 को ऐसे, और 7 बीच में, तो इससे 7। अच्छा, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे, इसको सबको ऐसे करके ऐसे, और ऐसे 45 ब्रेड, तो इसको खा लेते हैं। तो वाओ, हमारे हार्ट बढ़ रहे हैं। अब हम इस, जो ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल है, इसको लेके अपना बेड लेके आते हैं वापस। ये रहा, ये हमारा बेड, इसको हम यहीं के आसपास रखेंगे। और भाई गोलम, भाई गोलम, एक छोटा सा काम था, रुक, 2 3 भाई, ये काम था, रुक 1 मिनट। मगर क्यों? लो भाई, हमने गोलम भी मार दिया, अब हम इस विलेज के राजा बन चुके हैं। ओ भाई घोड़े, देख मैंने मारा है गोलम को, क्या तू बिलीव कर सकता है? नहीं मैं अब तेरे ऊपर बैठूंगा, रुक, बैट को अंदर रख लेते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं। ला भाई, मैंने गोलम को मारा है, ये बिलीव कर लिया इसने। हेलो विलेजर, तू समझ सकता है, मैंने तुम्हारे यहाँ के रक्षक को मार दिया। देखो मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो ये बेड मेरे को दे दे, साइड हो, साइड हो, हट, मेरे को सोने दे। तो अगली मॉर्निंग हो चुकी है, और अब हम यहीं पे अपना बेड लगा के
अभी के लिए रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। और क्या हमारे पास 7 आयरन, 4 ऐसे और क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस। हम इस आयरन को, जो ये हमारे पास 4 है, इसको भी यहाँ पे रख के स्मेल्ट कर देते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करें। तो हमारे पास यहाँ पे विलेज में रहने का और खाने का जुगाड़ हो चुका है, और अगले पार्ट में हम यहाँ पे अपना घर बनाएंगे। तो अगले पार्ट का वेट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो अगला पार्ट हमारे चैनल पे होगा, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। So guys, thanks for watching. Bye.